मैं चर्चा करना चाहता हूँ ये इंडिया अलायंस की। अभी तीन हिंदी पट्टी के राज्यों में कांग्रेस की हार हुई, उसके बाद आपको लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब में कुछ समीकरण बैठ सकता है आप दोनों पार्टियों का? देखिए, अगली बैठक इंडिया गठबंधन की 19 तारीख को है। उस बैठक में आगे कैसे सीट शेयरिंग और साथ मिलकर चलना है, क्या ब्लूप्रिंट देश के सामने रखना है, इन सारे अहम मुद्दों पे चर्चा होगी। मेरा अपना ये मानना है कि वन वर्सेस वन के फॉर्मूले के तहत अगर इंडिया गठबंधन काम करता है तो अवश्य एक वैकल्पिक सरकार, एक नई सरकार, एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट हम इस देश को दे सकते हैं। ये इस प्रकार के प्रयोग पहले भी हुए। हमने देखा कि 1977 के चुनाव में कैसे तमाम पार्टियां एक छतरी के नीचे आईं, जिसमें वामपंथी भी थे, उसमें जनसंघी भी थे, और सबने मिलकर उस समय की एक शक्तिशाली सरकार को हराया। इंडिया गठबंधन पिछले कई महीनों से, क्योंकि तमाम पार्टियां अपने अपने राज्यों के चुनाव में व्यस्त थी, तो बहुत रफ्तार से जैसे काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। बट मेरा विश्वास है कि अब लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और इन चुनावों से जो नतीजे आए हैं उससे एक प्रकार से पॉजिटिव भी लेते हुए और सीख भी लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और पॉजिटिव मतलब कांग्रेस थोड़ी ज़मीन पे आई, पहले ज़्यादा उड़ रही नहीं, पॉजिटिव दोनों चीज़ों तरीकों से। एक तो कि सब साथ बैठ के मिलकर कैसे इस देश को महंगाई बेरोजगारी मुक्त बनाना है उस पर काम करेंगे, और दूसरा जो मैंने आपको कहा कि 2019 के मुकाबले इस 2023 के विधानसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन की जितनी पार्टियां थी जिन्होंने ये चुनाव लड़े उन सबका वोट शेयर बढ़ा है, और कांग्रेस की जहां 2019 में इन पांच राज्यों में 6 सीटें थी, अगर वही वोट शेयर जो आज उन्हें मिला 2024 के इलेक्शंस में मिलता है तो उनकी 22 सीटें बढ़ती हैं, 28 सीटें हो जाती। बिल्कुल ऐसा होता है और होते हुए नजर आएगा। असेंबली के ट्रेंड को आप लोकसभा में ऐसे नहीं, यही तो भाजपा कह रही है कि अब तो चुनाव ही मत लड़िए क्योंकि तीन राज्य हम जीत गए, अब तो हम 24 जीतेंगे। मैं इसी बीजेपी के इस क्लेम को होक्स करार देते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अब इंडिया गठबंधन बैठेगा, दिल्ली पंजाब सब पे चर्चा करेंगे, बंगाल पे भी करेंगे, केरल पे भी करेंगे, यूपी पे भी करेंगे।